Hello guys, welcome to my channel Home Decor Ideas. मेरे घर में ये जो मंदिर था वो थोड़ा इसका लुक पुराना हो गया था, मुझे इसे नया लुक देना था, वाइट कलर थोड़ा इस पर जो मुझे क्ले वर्क करना था मिरर्स वगैरह लगा के, तो मैंने थोड़ी कोशिश की है इसे अच्छा बनाने की। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सबसे पहले तो मैंने यहाँ इसका जो पुराना कलर था ये ब्राउन जो इस पर था उसे सैंड पेपर से रब करके इसको थोड़ा रब किया था। उसके बाद वाइट कलर से मैंने इस पर दो कोट किए थे एंड फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो ड्रॉ किया था पेंसिल से, मतलब जो भी मुझे क्ले जिस पे यूज़ करनी है तो पेंसिल से मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद मैंने क्ले से थ्रेड बना के इसके ऊपर यूज़ किए थे। क्ले आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने फैब्रिक ऑयल की मोल्डेड क्ले ली है। इस पे मैंने पहले जो पाउडर, मतलब सरफेस पे नीचे पाउडर नहीं लगाया था जिसकी वजह से क्ले जो थी मेरे हाथों से भी चिपक रही थी और नीचे भी ये चिपक जा रही थी, तो फिर बाद में मैंने पाउडर यूज़ किया था जिससे ये काफ़ी इजी हो गया था, वरना मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा था। क्ले से पहले मैंने एक कई बार जो है वो बॉल पुट्टी की कोन से मतलब काफ़ी डेकोर बनाए हैं जिनकी वीडियो मैं शूट कर पाई हूँ, लेकिन मैंने बॉल पुट्टी से तो वो कोन बना के उससे ज़रूर काम किया है, लेकिन मुझे एज़ कम्पेयर टू क्ले से काम करना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से इक्वल साइज़ में हम इसके थ्रेड बना सकते हैं। और अगर बॉल पुट्टी का ये है कि वो भी अच्छी बनती है, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छा बने, वो जल्दी सूख भी जाता है और तो क्ले भी सूख जाती है, लेकिन क्ले थोड़ा टाइम लेती है, और उतना टाइम लेती है जितना मतलब सफिशिएंट होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए पूरा।
ये राउंड शेप का मिरर मैंने यूज़ किया है, लेकिन अभी जस्ट मैं इसका साइज़ ले रही हूँ। मतलब मुझे जो है ये क्ले, मतलब मिरर जो बर्फ है वो सबसे लास्ट में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ये क्ले है वो उसका साइज़ तो फिक्स हो जाएगा, तो एंड में उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस मिरर से उसका साइज़ देख रही थी कि ये बाद में आ जाए, मिरर इसमें फिट हो जाए। वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये साइज़ फिर वो फिक्स हो जाएगा, छोटा अगर मिरर मुझे यूज़ करना होगा तो फिर मिरर का साइज़ मुझे और छोटा लेकर आना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं था, इतने साइज़ का था, इसलिए मुझे यही साइज़ मेंटेन करना था। उसके बाद मंदिर के टॉप की बारी आती है, जिसपे जिसकी साइड्स पे मैंने क्ले के थ्रेड यूज़ किए हैं साइड में, मतलब इसके जो एजेस हैं उसको अच्छी एक फिनिशिंग देने के लिए। इसके टॉप पे मैंने ओम लिखा है, मैंने पेंसिल से ओम लिखा था, फिर उसके बाद क्ले इसके ऊपर फेविकॉल से चिपकाई थी। ये थोड़ी सी क्ले बच गई थी मेरे पास, जो कि बाद में हार्ड हो जाती, ख़राब हो जाती, तो मैंने इसके छोटी छोटी पत्तियां बना के इसका एक फूल बना लिया, तो वो भी यूज़ हो गई।
अब आती है कलर्स की बारी, तो मैंने ज़्यादातर येलो एंड रेड कलर का यूज़ किया है। बाकी और कलर भी यूज़ किए हैं लेकिन ज़्यादातर मैंने येलो और रेड कलर का यूज़ किया है। टॉप पे भी मैंने रेड और येलो कलर का ज़्यादा यूज़ किया है। कलर सूख जाने के बाद मैंने वार्निश किया था। वार्निश के सूख जाने के बाद अब मिरर यूज़ किए जा रहे हैं। पहले एक राउंड शेप और एक डायमंड शेप के मिरर में यूज़ कर रही हूँ। फेविकॉल की हेल्प से मैंने ये मिरर स्टिक कर लिए हैं। मिरर सबसे लास्ट में ही स्टिक किए जाते हैं क्योंकि अगर उससे पहले हमें पेंट करना है कलर और सब कलर तो फिर भी चले जाते हैं मिरर से, लेकिन वार्निश के बाद ही मिरर लगाने हैं क्योंकि वार्निश एक बार मिरर पे लग जाए तो वो जाती है। वार्निश से सारा मिरर जो है फेड हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वार्निश के सूख जाने के बाद ही मिरर लगाने हैं। लगाते टाइम मिरर थोड़े गंदे हो गए थे इसलिए बाद में से साफ कर लिया था मैंने एक साफ कपड़े से। थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है मैंने इस मंदिर को एक अच्छा लुक देने की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो लास्ट में ये ड्रॉअर का जो हुक रहता है इसको मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से कलर कर दिया था। तो ये रहा मंदिर का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।